बात सुनेगा? फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लास यहाँ पे है, आप मुझे गाइड कर सकती हैं कि कहाँ पे जाके? मैं बताता हूँ आपको, आप यहाँ से स्ट्रेट जाएं, स्ट्रेट से ऊपर जाके सीधे हाथ पे जो पहला कॉरिडोर आएगा उसके एंड में आपकी क्लास हो रही है। थैंक यू। यू वेलकम। ऐसा होता रहता है, इट्स नो बिग डील। तुम्हें काम करना, आइंदा अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे ना तो उनके साथ मिलकर हंसना शुरू कर देना, खुद ही एम्बैरस हो जाएंगे। आपको पता है मैं बहुत ज्यादा एम्बैरस्ड हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी मुझे, अगर आप ना होती तो मैं तो यहां से सीधे घर चली जाती। यार इतना शाय नहीं होना चाहिए, यू नीड टू बी रियली कॉन्फिडेंट। तुम्हें अगले 2 साल यहाँ गुजारने हैं ना, और तुम तो बस बिल्कुल। मैं ऐसी ही हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी हो, जब मैं तुम्हें पहली नजर ही देखा था ना तो मुझे बहुत पसंद आई थी। और वैसे भी अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी दोस्त है सहिबा नवीद खान जो तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करेगी। दोस्त? क्यों, हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते? आपको पता है मेरे अब्बू जी क्या कहते हैं? मेरे अब्बू जी कहते हैं कि कभी भी पहली नज़र में दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमेशा अपने जैसे परिंदों के साथ परवाज़ करनी चाहिए, वरना हम रास्ता भूल जाते हैं। आप और मैं बहुत मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब है मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मुख्तलिफ होने की बात कर रही हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, मुझे आप बहुत अच्छी लगी। मैं तो बल्कि आपसे बहुत मुतासर हुई हूँ। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये सारी की सारी बातें इररिलेवेंट हैं। और अब ना ये आप जनाब और ये फॉर्मेलिटीज खत्म करो और दोस्ती का हाथ पढ़ो। Forever and ever. और इसी खुशी में आज मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप करूं। आप कैसे ड्रॉप करेंगी? गाड़ी, I'll drive.